हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहन जी का कमेंट आया मेरे वीडियो में कि उन्होंने किसी के हाथ से अपने जमीन बेचा और उनको पैसा भी वापस नहीं मिला। जिसको उन्होंने अपना जमीन बेचा उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का भी उत्तर देते हैं। हमारे मांगने से पहले ही प्रभु हमारी जरूरतों को जानते हैं, इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए हम लोग बहन के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनका जो भी पैसा फंसा है, जो लोग उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, जो पैसा देने से इनकार कर रहे हैं, प्रभु उनके मन को बदले और वे पैसा बिना लड़ाई के बिना झगड़े के प्यार से वापस देने पाएं, प्यार से देने पाएं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा, प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा आपकी महिमा और सामर्थ्य के लिए। प्रभु आप दयालु हैं राजा, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभुेश्वर, आप तरस खाने वाले हैं। प्रभु हम आपकी जितनी भी बड़ाई करें परमेश्वर कम है राजा। सच में प्रभु आपके जैसा दयालु करुणामय तरस खाने वाला कोई नहीं है प्रभु जी। आप महान है राजा, आप करुणामय प्रभु हैं राजा, आप दयालु हैं। प्रभु हम आपकी जितनी भी बड़ाई करें कम है राजा। आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है प्रभु जी। पूरी दुनिया हमें छोड़ दे परंतु आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं राजा। आप माँ से बढ़कर प्यार करने वाले हैं प्रभु पिता। इस समय राजा आपके पवित्र चरणों में आते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस बहन ने परमेश्वर प्रार्थना विनती मांगी है राजा, जो परमेश्वर उन्होंने अपना जमीन बेचा प्रभु, जिसके हाथ उन्होंने परमेश्वर पैसा देने से इनकार कर दिया है राजा, वो अपने बात से मुकर रहे हैं प्रभु जी पिता। संभव को संभव बनाने वाले आप हैं राजा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो भाई लोग परमेश्वर जमीन लिए हैं राजा, जिन्होंने प्रभु जमीन लिया है राजा, वो जो पैसा देने से इनकार कर रहे हैं प्रभु जी, उनके मन को बदलिए प्रभु जी, वो प्यार से परमेश्वर पैसा वापस देने पाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, जैसे परमेश्वर उन्होंने जमीन लिया है प्रभु तो उसका पैसा परमेश्वर वो देने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं राजा आपने हमारी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अद्भुत गवाही परमेश्वर हमारे बीच में होने पाए। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना जीवित मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।